आने वाले 7 मई को तमाम लोग जाकर सिर्फ कांग्रेस पार्टी को वोट डालेंगे। ये मालूम हो रहा है कि हमारे कैंडिडेट 2 से 3 लाख वोट से यहाँ पर जीत रहा है, क्योंकि 5 साल से ये जो कैंडिडेट हमारे उमेश यादव जो एमपी जीत कर आए हैं लोगों के बीच में नहीं आए, कोविड में तक नहीं आए हैं, सिर्फ अपने बेटे का प्रचार करने के लिए सिर्फ चिंचोली गए और दूसरी जगह कहीं नहीं गए। ये गुलबर्गा में कांग्रेस की लहर चल रही है और बीजेपी का कैंडिडेट और बीजेपी के लोग अपने घर को जा रहे हैं आज के बाद। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga. आज लोकसभा का जो हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट चुने गए हैं, राधा कृष्ण साहब जो आर के साहब के नाम से जाने जाते हैं, वो आज पहली बार गुलबर्गा आ रहे हैं। वो हैदराबाद से होते हुए, कमलापुर से होते हुए, मागांव से होते हुए गंज को आ रहे हैं। हम यहाँ गुलबर्गा सिटी के लोग, खासतौर से नॉर्थ और साउथ के लोग यहाँ गंज नगरेश्वर स्कूल के पास उनका वेलकम करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप तमाम कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तमाम लोग बताइए यहाँ पर जो सरों का समंदर यहाँ आकर उनके लिए खड़ा हुआ है, ये हमारे कैंडिडेट आ रहे हैं गुलबर्गा बोलकर खड़ा हुआ है, ये नॉमिनेशन भरने नहीं जा रहे, सिर्फ गुलबर्गा आ रहे हैं बोलकर ऐसी है। तो इससे ये मालूम होता है कि गुलबर्गा में कांग्रेस की लहर चल रही है और बीजेपी का कैंडिडेट और बीजेपी के लोग अपने घर को जा रहे हैं आज के बाद। मैं आपको आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, हमारे कैंडिडेट जो आरके साहब जो हमारे हाईकमान ने चुना है, जो माइल्ड कैंडिडेट है, पिछले 35 साल से लोगों के बीच में रहकर काम कर रहे हैं, किसी के बैकबोन बनकर, किसी के साथ में, किसी के पीछे, किसी को एमपी, किसी को एमएलए बनाने में उनका सबसे बड़ा हाथ रहा है। मगर हमारे कैंडिडेट जो आरके साहब हैं, वो माइंड है, लोगों के बीच में रहते हैं, एजुकेशनिस्ट है, बिजनेसमैन है, आज आपके बीच में एक एमपी के कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं। आप देखिए लोगों का यहाँ जो हुजूम यहाँ पर खड़ा है, इससे ये मालूम होता है आने वाले 7 मई को तमाम लोग जाकर सिर्फ कांग्रेस पार्टी को वोट डालेंगे और जो यहाँ हमारा यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट है वो बीजेपी के कैंडिडेट को ये महसूस दिलाएंगे उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, कांग्रेस छोड़कर जो यहाँ से गया था उसको सबसे बड़ी गलती हुई है, क्योंकि यहाँ पर ये सब देखने के बाद ये मालूम हो रहा है कि हमारे कैंडिडेट 2 से 3 लाख वोट से यहाँ पर जीत रहा है, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त बीजेपी में भी हैं, वो बता रहे हैं कि पूर्व का मॉरल डाउन है, कोई बीजेपी का आदमी खुलकर काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 5 साल से ये जो कैंडिडेट हमारे उमेश यादव जो एमपी जीत कर आए हैं लोगों के बीच में नहीं आए, कोविड में तक नहीं आए हैं, सिर्फ अपने बेटे का प्रचार करने के लिए सिर्फ चिंचोली गए और दूसरी जगह कहीं नहीं गए। तो मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूँ, आप तमाम लोग यहाँ पर आइए, आकर राधा कृष्ण साहब को फिर एक बार यहाँ वेलकम करने में साथ दीजिए, देकर बीजेपी को एक आंख में मैसेज दीजिए कि गुलबर्गा में कांग्रेस की लहर चल रही है, खड़गे साहब की लहर चल रही है, प्रियंका खड़गे साहब की लहर चल रही है, डॉक्टर चंद प्रकाश पाटिल साहब की, मैडम कनी स्वातिमा साहेबा की, अन्नम प्रभु साहब की, हमारे तिप्पनप्पा कमुगुलूर साहब की यहाँ पर लहर चल रही है। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga.